हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन। दिस इज फ्रॉम साइंस टू ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सीखना है अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ फूड और लाइफ प्रोसेसेस के बीच के रिलेशन का, तो वो कुछ इस प्रकार है। इस फिगर में आपको एक बच्चा उछलता हुआ दिख रहा है, एक लड़की डांस करते हुए दिख रही है और एक आदमी काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब हम इंसान बहुत सारे काम करते हैं। इन सब काम को करने के लिए हमारे बहुत सारे सिस्टम है जो हमें हेल्प करते हैं। सिस्टम जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो हमारा लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से चलता है। गाइज, ये सारे सिस्टम को अच्छे से चलने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो चीज है एनर्जी। तो वो एनर्जी आता कहाँ से है? जी हाँ, आप सबने अब तक एज्यूम कर लिया होगा कि जो एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए वो हमें मिलता है फूड से, वो फूड जो हम ईट करते हैं। एंड उस फूड से हमें ऐसा क्या मिलता है जो हमें एनर्जी देता है? तो उस फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। क्या आप लोग जानते हो कि न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं? कौन से? मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूट्रिएंट का टाइप होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी हमें ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एक और न्यूट्रिएंट का टाइप होता है गाइस, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिंस। तो यहां तक आपको न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है ग्लूकोज। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमें अमीनो एसिड्स देते हैं। एंड अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमें देते हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने से, उनका डाइजेशन होने के बाद हमें बॉडी में क्या मिलता है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं, जब ये न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा तो खाली उससे काम हो जाएगा? खाली न्यूट्रिशन काफी है? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ओनली न्यूट्रिएंट्स आर नॉट नेसेसरी। अगर आपको न्यूट्रिशन, जो आप खाना खा रहे हो जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, उन न्यूट्रिएंट्स से अगर आपको एनर्जी चाहिए वो सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेशन के साथ चलते रहने देने के लिए, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन भी करना पड़ेगा। जो आप फूड खा रहे हो, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, उसके साथ ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगा। अब ये जो एनर्जी है वो अगर मेरे हाथ तक जाना हो, पांव तक जाना हो, टोज तक जाना हो, आईज, ईयर, हेयर, यहां तक पहुंचाने हो, तो कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। तो हमारी जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो होता है, ब्लड के साथ न्यूट्रिशन और एनर्जी फ्लो होता है। तो आई होप गाइस कि यहां तक आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हो सकते हैं सीरियल्स। सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, जवार, बाजरा एक्सेट्रा, ये सारे सीरियल्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में मिलती है। फ्रूट से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड हाँ, मिल्क एंड सुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें देता है। सुगरी प्रोडक्ट जैसे हम बोल सकते हैं, स्वीट चीजें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, एट द एंड ग्लूकोज मिलता है, लाइक हनी एंड जैगरी। एंड गाइस, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ये तो बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें कितना एनर्जी मिलेगा। तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो उसका क्या होगा? अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है, तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो वो ग्लूकोज की जगह ग्लाइकोजन बनके आपके लीवर और मसल में स्टोर्ड रहेगा। तो गाइज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होता है। समरी के लिए मैं आपको ये बता दूं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर हमें देते हैं ग्लूकोज। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में, फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है, एंड फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस हो जाए तो किस तरीके से स्टोर होगा। अब आगे जो हमें देखना है उसे कहते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एक प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन बनता कैसे है? तो देखिए, दे आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स। तो देखो, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, टुगेदर रहेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो है प्रोटीन। गाइस, 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको 4 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलती है। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की,
वेजिटेरियन सोर्सेस की, तो वो है पल्सेस। पल्सेस जैसे, पल्सेस मतलब दाल बेसिकली, तूर दाल, मूंग दाल, चने का दाल, ठीक है, और जो भी दाल है, ये सारी दाल प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। इन दाल में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें भी होती है, मगर इसमें प्रोटीन भी काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस की, तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है एग, हैम, गोट, बीफ, ये सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है प्रोटीन की। गाइस, इन्हें फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऐसा भी कहा जाता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये हमारे बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनसे हमें एनर्जी मिल जाती है। दैट इज द रीजन कि इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। और इसके अलावा इन सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, इनका जो प्रोटीन का अमीनो प्रोफाइल है, अमीनो एसिड्स की जो प्रोफाइल है, वो भी काफी हाई होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने एक चीज तो समझ लिया है कि प्रोटीन्स जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है तो हमें मिलता है अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक प्रोटीन है, अगर इसकी बॉन्ड टूटेगी तो ये अमीनो एसिड हो गया, और ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाएगा और बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहां तक मुद्दा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज को समझते हैं। फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन्स एंड बॉडी प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन। अब जो अमीनो एसिड बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उससे हमारे ऑर्गन्स और बॉडी बहुत सारे प्रोटीन्स बना, और उन प्रोटीन्स को बॉडी यूटिलाइज करेगी अपने लिए। तो गाइस, अमीनो एसिड्स, ये जो अमीनो एसिड है, इनका यूज करके बॉडी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएगी, और उन प्रोटीन का बॉडी क्या करेगी, खुद इस्तेमाल करेगी। स्किन के लिए मिलेनिन और केराटिन, इस प्रकार के प्रोटीन बनाया जाता है। मिलेनिन जो है वो हमारे स्किन के कलर को दिखाता है, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, उसका टोन कैसा होगा, और केराटिन हमारे बालों का टेक्सचर, बालों का हेल्थ डिसाइड करता है। गाइस, इसी तरीके से बोन्स के लिए ऑसिन, ये प्रोटीन है। अगर हम बात करें सेल्स के लिए, तो सेल के मेम्ब्रेन के लिए, सेल के टिश्यूज के लिए, और उसके साइटोप्लाज्म, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पैंक्रिया, जो एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे पेट के अंदर, पेट के पीछे, उस वो बनाता है इंसुलिन, एक हार्मोन जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ट्रिप्सिन, एक एंजाइम। तो ये सारे भी प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये भी बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऐसा भी कहा जाता है। तो ये जो भी हॉर्मोन बनाता है, एट द एंड वो सब भी प्रोटीन से ही बनते हैं। एंड अगर मैं बात करूं मसल्स की, तो मसल्स के अंदर काफी सारे फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये सारे भी किससे बनते हैं गाइस, प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, राइट, ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, जो रेड कलर देता है ब्लड को, और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ये भी प्रोटीन से बनता है। और एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, ये भी बनता है, एट द एंड प्रोटीन से ही बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करके बहुत प्रकार की प्रोटीन बनाती है, और हमारे बॉडी के काफी सारे पार्ट में उससे हेल्प मिलता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले और हमारे बॉडी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट हो जाए, तो उसका क्या होगा। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड अ ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म इज इलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में हो जाएगा, तो अमोनिया बन जाएगा, और वो जो अमोनिया है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम इलिमिनेट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और एक चीज को और समझते हैं। अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन है, इफ नेसेसरी, अगर कभी जरूरत पड़ी, तो प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है, जो अमीनो एसिड के थ्रू गए हैं, ये किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सब होता है हमारे लीवर के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आई होप गाइज कि यहां तक आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, और यहाँ पे प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है खत्म। तो गाइस, अब हमें देखना है फैट्स के बारे में। तो फैट्स को लिपिड्स ऐसा भी बुलाया जाता है। अगर देखना जाए तो द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो फैट कैसे बनता है, अगर हमें ये देखना है, तो फैटी एसिड जो कि यहाँ पे है, और अल्कोहल, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एक केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, और उस केमिकल बॉन्ड से हमें जो मिलता है वो ही है फैट। इसी तरीके से अगर हम फैट को कंज्यूम करें, तो डाइजेस्ट होने के बाद भी फैट हमें क्या देता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो आई होप गाइस ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फैट के यूजेस के बारे में समझते हैं। तो ये सेल के बाहर क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है,
प्लांट सेल में होता है, सेल का क्या होता है और बाहर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट है। तो इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनने के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, और उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड बनने के लिए जो मदद करता है वो है फैटी एसिड्स। तो फैट का एक यूज देखा, चलो एक और यूज देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हॉर्मोन्स होते हैं, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनको बनने के लिए भी फैटी एसिड मदद करता है। हॉर्मोन जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन एंड एल्ड्रोस्टेरोन, ये सारे हॉर्मोन्स बनने के लिए हमारा जो फैटी एसिड है वो बहुत मदद करता है। एक और यूज देखते हैं, अगर फैटी एसिड जो है वो हमारे न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन्स होते हैं उनको भी बनने में हेल्प करता है, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को बनने में फैटी एसिड हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं कि फैटी एसिड या फिर लिपिड्स कितना एनर्जी देता है, तो पर ग्राम हमको 9 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर हम 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन से हमें मिला था 4, कार्बोहाइड्रेट से भी 4 मिला था, और फैट से हमें मिला 9। तो सबसे ज्यादा फैट से मिलता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान ज्यादा फैट को कंज्यूम करता है तो आपको पता है वो मोटा हो जाएगा, इस तरीके का दिखेगा, उसके पेट पे चर्बी बढ़ेगी, चारों तरफ चर्बी बढ़ेगी। तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अगर किसी इंसान के अंदर एक्सेस है लिपिड्स का, मतलब फैट का, तो उसके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर रहेगा इन द बॉडी। तो आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या खत्म होता है, फैट की कहानी खत्म होती है। और ये वाला स्लाइड देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले अबाउट वाइटामिन। तो वाइटामिन क्या होता है, तो वाइटामिन आर ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप होता है जो हमारे बॉडी को स्मूथ फंक्शन करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी इन टू स्मूथ फंक्शनिंग। अगर मैं बात करूं कि वाइटामिन के टाइप कितने होते हैं या फिर कितने मेजर टाइप्स है, तो कितने मेजर, 6 वाइटामिन है। मेजर कितने हैं, 6 है। कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, के है। यहां तक क्लियर। अब गाइस इन वाइटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फैट सॉल्युबल वाइटामिन और दूसरा वाला है वाटर सॉल्युबल। अगर फैट सॉल्युबल की बात करें तो इसमें कौन से हैं, ए डी ई एंड के। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें तो इसमें है बी एंड सी। तो यहां तक आपको वाइटामिन समझ में आया। वाइटामिन मतलब होता है बहुत केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी को इसेंशियल, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। एंड इसके 6 होते हैं, मेजर 6 होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के, जिसमें एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज के बारे में समझते हैं जो है वाटर। अब आप बोलोगे सर वाटर कोई न्यूट्रिएंट है, वाटर न्यूट्रिएंट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी 60-70% अप्रोक्सीमेटली पानी है। अगर मैं बात करूं ब्लड की तो ब्लड इज ऑल्सो 90% वाटर। आपका जो ब्लड है वो भी 90% क्या है, वाटर ही है। इसके अलावा अगर मैं सेल्स की बात करूं तो हमारा जो सेल है वो भी 70% वाटर ही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में किसी कारणवश पानी की कमी हो जाए तो हम को डिहाइड्रेशन का शिकार बन जाते हैं। हम डिहाइड्रेशन का शिकार बन जाते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। और अगर बहुत समय तक अगर हमें पानी ना मिले तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो आई होप गाइस कि यहां तक आपको सभी, ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट 2, जो हमने पहले शुरू किया था, और ये है चैप्टर 2 साइंस 2 से ऑफ SSC महाराष्ट्र 10th बोर्ड, ठीक है। इसका ये है लेक्चर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिए, वो ऊपर के आई बटन में है। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। बच्चों अब मैं आपसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और वो है रेस्पिरेशन मतलब क्या। प्लीज वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो रेस्पिरेशन का मतलब आपको क्या पता है। गाइस आप में से मेजोरिटी लोगों ने कमेंट किया होगा द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग। द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग ये कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बट रेस्पिरेशन का एक और डेफिनेशन होता है, रेस्पिरेशन का एक और टाइप होता है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। पहला बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जिसे आप कहते हो द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, तो ये हमारे बॉडी लेवल पे होता है। दूसरा जो टाइप है रेस्पिरेशन का वो है सेल लेवल रेस्पिरेशन,
ये हमारे सेल के लेवल पे होता है। अच्छा इसमें होता क्या है, तो थोड़ा सबर करो, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं उसे। ठीक है गाइस, तो बात कर लेते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन की। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में आसपास के सराउंडिंग से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्या करते हैं, हम आसपास के सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारे लंग्स के थ्रू होते हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में वो डिजोल्व हो जाता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, और हम उसे एक्सेल कर देते हैं। इसे ही कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, या फिर इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर एक्शन ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। मगर एक सवाल उठता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये बदलाव क्यों हुआ सर? ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ? इसी चीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलो हम देख लेते हैं अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा नेसल कैविटी। दूसरे की अगर बात करें हम, तो उसके नीचे आता है ओरल कैविटी, उसके नीचे आता है गाइज लैरिंजियल, फिर ट्रैकिया। आप देख पा रहे होगा डायग्राम में, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गाइज नीचे आपके दो लंग्स होते हैं जो कि आपके रिब केज के अंदर होते हैं प्रोटेक्टेड, जिसमें हमने यहाँ पे राइट लंग्स को दिखाया है। ठीक है, उसके नीचे, लंग्स के नीचे सपोर्ट देने के लिए जब आप सांस लेते हो, देखो आपका पेट बाहर आता है, जब सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर चला जाता है, एक होता है डायफ्राम जो आपको मदद करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, और वो लंग्स को थोड़ा सपोर्ट भी देता है। गाइस उसके अलावा जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर से आता है यहां से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं ब्रॉन्चिलस। ठीक है, तो यहां पे हमने दिखाया लेफ्ट मेन ब्रॉन्चस। लंग्स के अंदर की अगर मैं बात करूं, किसके अंदर की, लंग्स के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो लंग्स के अंदर बलून जैसे कुछ पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोली, और यही वो पार्ट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो यहां तक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेल लेवल रेस्पिरेशन की। अब तक हमने क्या क्या बात किया, हमने देखा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, जिसमें हमने समझा बॉडी लेवल रेस्पिरेशन को, और अब हमें देखना है सेल लेवल रेस्पिरेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है, और वो क्या है, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड। मैं क्या कह रहा हूं, जो फूड आप लोगे वो ऑक्सीडाइज होगा आइदर विथ और विदाउट ऑक्सीजन। मतलब या तो ऑक्सीडाइज होने में ऑक्सीजन उनकी हेल्प करेगा, या तो ऑक्सीजन हेल्प नहीं करेगा। तब यहां पे पॉइंट देखो ना, विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि सेल लेवल रेस्पिरेशन में दो चीजें हो सकती है, एक तो ऑक्सीजन के साथ हो सकता है या फिर बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। तो अगर हम सेल लेवल की बात करें और अगर हम बोले विथ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अच्छा एरोबिक, ये वर्ड आपने पहले कहीं सुना है? आप कहते हो ना कि एरोबिक करने से हमारा हर्ट अच्छा रहता है, हर्ट के लिए अच्छा है, हमारे हर्ट के लिए अच्छा है, एंड उसके अलावा आप कहोगे कि एरोबिक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, फिट रहते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइज वो होते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन, हमारा जो ये हर्ट है ना, हर्ट वो पंप ज्यादा करता है ब्लड को, राइट? क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन, आपका जो ऑक्सीजन लेने की जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है। आप दौड़ो, तेज तेज दौड़ो, क्या होगा, आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। तो वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है, विच मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो ये समझा। अच्छा दूसरा वाला होता है विदाउट ऑक्सीजन, तो विदाउट ऑक्सीजन वाला जो होगा उसे हम कहेंगे एन एरोबिक, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है सेल लेवल पे। मतलब जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन कम होगा, या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, तब ये वाला रेस्पिरेशन सेल लेवल पे होता है। अच्छा ये कहाँ होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट इस वीडियो में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बड़े डिटेल में सीखना है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में क्या देता है, अच्छा यह मैंने लेक्चर वन में सिखाया था, याद है आपको? अच्छा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर के आई बटन में जाकर के देख लीजिए। गाइस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होने के बाद हमें देता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें ब्रेक डाउन होने के बाद, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये हमें देती है एटीपी। अब एटीपी क्या है, एटीपी है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एटीपी का फुल फॉर्म वहां पे लिखा है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज से मिलता है एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और ये डायरेक्ट एनर्जी, एटीपी से हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल जाता है। तो अब
एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो हमें मिला है कार्बोहाइड्रेट से उसका क्या होने वाला है, उसका ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और हमें मिलेगा एटीपी। तो देखते हैं कि ग्लूकोज से एटीपी तक का सफर कैसा है, मगर उससे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा। स्टेप नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस, स्टेप नंबर 2 है ट्राइकार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और स्टेप नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ईटीसी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब एक-एक करके सबको देखेंगे, तो पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। गाइस ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अच्छा तो हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं, चलो साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये आ गए हम साइटोप्लाज्म के अंदर, ऊपर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस और चारों तरफ आपको दिख रहा होगा द पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा इसका मतलब क्या होता है द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लीज कमेंट करो गाइस। ग्लूकोज, ठीक है, जो हमें मिला है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन होने के बाद। इस ग्लूकोज में आपको दिख रहा होगा 6 कार्बन है, राइट, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा 3-3 कार्बन वाला पायरविक एसिड, और वो भी पायरविक एसिड के हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मिले, 2C3H4O3, मतलब C3H4O3 ये है पायरविक एसिड, इसके हमें मिले 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, खाली यही मिलेगा क्या, नहीं, इसके अलावा हमें मिलेगा 2 ATP, 2 NADH2 और 2 H2O। मैंने एटीपी बताने के समय आपको बताया था कि एटीपी इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका फुल फॉर्म था एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो NADH2 क्या है, NADH2 इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब क्या, कि आपको डायरेक्टली वो एनर्जी नहीं देगा, वो पहले किसी और चीज में कन्वर्ट होगा और फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगा। आर यू गेटिंग इट, मतलब ऐसे नहीं खाने का, ऐसे घुमा के खाने का, ठीक है। तो NADH2 भी आपको समझ में आ चुका होगा। NADH2 का फुल फॉर्म क्या है सर, तो NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आर यू गेटिंग इट, निकोटिनामाइड द एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ये जो पायरेविक एसिड हमें मिला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेविक एसिड, वो आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है इन एसिटिल को ए। एसिटिल को ए क्या है, एसिटिल को एंजाइम ए, एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है गाइस। अब उसके आगे मैंने 2 क्यों लिखा है, दैट क्योंकि हमारे पास 2 पायरेविक एसिड है तो हमें वो भी 2 मिलने वाला है। एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ हमें मिलने वाला है 2NADH2 जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट में 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ये है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले हम देखते हैं कि जो अगला स्टेप है वो कौन सा है। तो अगला स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा जब एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा, वो है ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। तो एक सवाल उठता है कि इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बुलाते हैं, और दूसरा सवाल उठता है कि सर इसको ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल क्यों बुलाते हैं। कार्बोक्साइलिक एसिड ये आपने कभी सुना है, अगर आपने कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर देखा होगा जो मैंने इस चैप्टर से पहले अपलोड किया है, तो आपको कार्बोक्साइलिक एसिड पता होगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि पहले तो समझ लेते हैं इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बुलाते हैं। क्रेब्स साइकिल इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसे सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, ठीक है, सिंपल, सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको मतलब क्या बोलते हैं वो देते हैं ना साइंटिस्ट लोगों के नाम, जिसने जो डिस्कवर किया उसके नाम पे दे देते हैं, ठीक है, उनको इज्जत देने के लिए, या फिर उनके नाम पे कर देते हैं, जो भी रीजन है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसिटिल को एंजाइम ए है हमारे पास, कहाँ से आया था, वो ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस से मिला था एसिटिल को एंजाइम ए। एसिटिल को एंजाइम ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में यहां तक देखा था। अब यहां पे एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होगा। देखो क्या शुरू हुआ, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अच्छा ये साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन में क्या एक ही ऐसा गोल घूमने वाला है, नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ये बनते जाते हैं इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, और इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये चेन में जो सबसे पहले मिलता है वो होता है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बोक्साइलिक एसिड प्रेजेंट है, जो कार्बोक्साइलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर 3 है, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
गाइस, अब ये इसके अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो एसिटिल पार्ट है, एसिटिल कोएंजाइम ए का जो एसिटिल पार्ट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और सीओए को छोड़ देते हैं, ठीक है। एसिटिल पार्ट जो है एसिटिल कोएंजाइम ए का, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने वाला है। अच्छा, जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा हमें इस रिएक्शन में, तो देखते हैं बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर बाय प्रोडक्ट की बात करूं तो पहला बाय प्रोडक्ट हमें जो मिलने वाला है वो है CO2, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा H2O, वाटर, और हमें कुछ एनर्जी भी मिल सकता है, ATP या फिर FADH2, NADH2। तो देखते हैं, यहां पे हमें मिलेगा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि है NADH2। NADH2 आपको पता है ना, और इसके अलावा हमें मिलेगा FADH2। FADH2 भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जैसे कि NADH2, और इसका फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फेल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आई होप गाइस कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप नंबर टू भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3, तो एक बार स्टेप टू को समझ लेते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइक्लिक रिएक्शन शुरू हुआ जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और उसका पहला वो छोड़ दो, उससे एक साइक्लिक रिएक्शन शुरू हुआ, और वो साइक्लिक रिएक्शन में क्या हमें मिला, एसिटिल पार्ट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, और ये सारे जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो हमें बाय प्रोडक्ट्स और इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भी है वो मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये भी पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे थे, एनर्जी प्रोडक्शन की। मुद्दा तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बचा हुआ है, NADH2, FADH2, काफी सारे हैं जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से आए, उसके अलावा जो दूसरे प्रोसेस में हुए, क्रेब्स साइकिल में हुए, तो ये सारे NADH2, FADH2, ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि इनसे अभी तो एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो NADH2, FADH2 जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब इनसे जब ये ETC साइकिल के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा है, ATP। तो NADH2 हमें देता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है, और FADH2 हमें देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। NADH2 हमें देगा 3 डायरेक्ट एनर्जी ATP, और FADH2 हमें देगा 2 डायरेक्ट एनर्जी ATP। गाइस, इन सब के अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट भी तो निकलेगा, सबके अंदर जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो है H2O। तो यहां पे होता है ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म, मिलता है सिंपल भाषा में। तो देखो, हाउ मच एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो टोटल कितना एनर्जी ड्राइव होगा। तो आपको याद है कि स्टेप नंबर 1 ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन था ग्लाइकोलिसिस। स्टेप नंबर 1 क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था बेसिकली, याद करो, अगर याद नहीं आ रहा तो लेक्चर नंबर 2 देख लो, ऊपर के आई बटन में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आपको मिलता है 2 ATP, ठीक है, और आपको मिलता है 2 NADH2। डायरेक्ट फॉर्म में आपको 2 ATP मिलता है, और इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको 2 NADH2 मिलता है। 1 NADH2 से आपको 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो 2 NADH2 से कितने मिलेंगे, 3 × 2 = 6, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 ATP। यहाँ पे आपको कितना मिला, 6 ATP। तो इन दोनों को जोड़ के, 6 और 2 को जोड़ के कितना होने वाला है, 8 ATP। आर यू गेटिंग इट। अब ये NADH2 से 6 क्यों मिला, मैंने बताया ना, 1 NADH2 से कितना मिलते हैं, 3 ATP, तो वहां पे 2 है, तो 3 × 2 = 6 ATP। आर यू गेटिंग इट। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस भी था, Am I right? एक इंटरमीडिएट प्रोसेस भी था जिसमें जो आपको 2 पाइरुविक एसिड मिला था ग्लूकोज के टूटने के बाद, उसको कन्वर्जन हुआ था किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब 2 पाइरुविक एसिड था तो कितने कन्वर्ट हुए होंगे, 2 कन्वर्ट हुएंगे। इस प्रोसेस में आपको इनडायरेक्ट एनर्जी 2 NADH2 मिलता है, क्या मिलता है आपको, 2 NADH2 इनडायरेक्ट एनर्जी। तो जब ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये आपको कितने देगा, 6 ATP। कैसे, अभी अभी मैंने आपको बताया था ब्रेकडाउन। चलो, तो इसका टोटल यहां पे होगा 6 ATP। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा उसमें प्रोसेस था वो था क्रेब्स साइकिल, राइट। ग्लाइकोलिसिस के बाद था क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में क्या था, ETC चेन रिएक्शन। तो क्रेब्स साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं क्रेब्स साइकिल की बात करूं, तो क्रेब्स साइकिल में 2 एसिटिल कोएंजाइम जो थे उनका क्या हुआ था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपको मिलते हैं 3 NADH2, 1 FADH2, और आपको मिलता है 1 ATP। अब गाइस,
यहाँ पे कितने हैं एसिटिल कोएंजाइम? दो है, तो हम इन सबको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। एक NADH2 अगर 3 ATP देता है, ठीक है, तो 3 NADH2 9 ATP देगा, और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18 ATP। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, एक FADH2 कितने ATP देता है? 2 ATP देता है, तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ATP। अगर मैं बात करूं 1 ATP को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ATPs। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका मैं ग्रॉस करूं तो वो निकलेगा 24 ATP। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस से 8, इंटरमीडिएट प्रोसेस से 6, और यहां से 24, इन सबको ऐड करने के बाद हमें जो टोटल मिलेगा वो है 38 ATP। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको 38 ATP देता है। तो यहां तक आपको एटीपी का कंसेप्ट, कितना एटीपी मिलता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एटीपी को समझते हैं कि एटीपी क्या है, एटीपी से एनर्जी कैसे मिलता है। आर यू गेटिंग इट? ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP दे रहा है, लेकिन एटीपी एनर्जी कैसे देता है? एटीपी एनर्जी कैसे देता है? हम कहते हैं कि एटीपी इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं एटीपी इज एनर्जी करेंसी। हम ये भी कहते हैं कि एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, मतलब कि इसी से एनर्जी मिलता है। तो कैसे मिलता है वही हमें देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पे आपको दिख रहा होगा एडीनाइन, ये जो ग्रुप है एडीनाइन। अच्छा, एडीनाइन ये वर्ड तुमने पहले कभी सुना है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं कि एडीनाइन ये वर्ड पहले तुमने कहीं सुना है डीएनए आरएनए में? ये कौन से टाइप के बॉन्ड्स है ये आपको कमेंट करना है, ओके गाइस। अब इसके साथ जब राइबो सुगर जुड़ेगा, राइबो सुगर क्या है? एक पेंटोस सुगर है। अच्छा, इसको पेंटोस सुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना पेंटागॉन जैसा इसका शेप है। इज इट राइट? इसका शेप कैसा है? पेंटागॉन जैसा है, तो इसको पेंटोस सुगर कहते हैं। ये आपके आरएनए में भी होता है और एडीनाइन आपके डीएनए में पाया जाता है, ठीक है गाइस। तो इन दोनों को मिला करके हमें मिलता है एडिनोसाइन। इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसे हम एडिनोसाइन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा सर, तो ये ट्राइफॉस्फेट कहाँ है? तो देखते हैं ट्राइफॉस्फेट का कंसेप्ट। अब ये एडिनोसाइन में अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं, ओके, अच्छा यहां पे कितने फॉस्फेट जोड़े मैंने? एक फॉस्फेट ग्रुप को मैंने जोड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है? ट्राइफॉस्फेट, दैट मींस कि और दो फॉस्फेट जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, ओके। तो यहां पे हमने दो और फॉस्फेट जोड़ दिया, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप गाइस कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी बनता कैसे है, मतलब एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है। आर यू गेटिंग? एटीपी कैसे बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एटीपी का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एटीपी से एनर्जी कैसे मिलेगा। गाइस, एटीपी में एनर्जी होता है दो फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में। ये जो दो फॉस्फेट है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और हमें एनर्जी मिलेगा। तो देखो, जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एज पर द नीड ऑफ एनर्जी विल बी डिलीवर्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। तो फॉस्फेट बॉन्ड टूटा और आपको क्या मिला? एनर्जी मिला। तो आई होप गाइस कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एटीपी से एनर्जी कैसे मिलेगा। अब एक बात और, ये जो एटीपी था इसमें 3 फॉस्फेट थे, टूटा एनर्जी मिला, तो एटीपी विल गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एडीपी मतलब क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। टी मतलब ट्राई, डी मतलब डाई। आई होप गाइस कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या सीखना है हमें? तो हमें सीखना है प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। पहले क्या सीखा था हमने? कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसा मान लो कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट से मिले हुए ग्लूकोज की कमी हो जाती है। कैसे कैसे हो सकती है? आपको बहुत दिनों से आपके घर वालों ने खाना नहीं दिया, आप फास्टिंग कर रहे हो, तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा ग्लूकोज में, क्योंकि है ही नहीं। अब ग्लूकोज नहीं होगा तो ग्लूकोज से एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा? तो ऐसे हाल में फैट्स और प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकता है। तो फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी ऑल्सो यूज टू डिराइव एटीपी। तो वही हम देखते हैं कि कैसे होगा, लेकिन उससे पहले एक बार समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एटीपी तक का सफर क्या था। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी करेंसी एटीपी तक का सफर क्या था? तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर पाइरेविक एसिड प्रोड्यूस होता है, और पाइरेविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम में। मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से मेंशनड है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये एसिटिल को एंजाइम ए कहां जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर, और एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और
फाइनली ये क्रेब्स साइकिल में जो NADH2, FADH2, ATP सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो ETC चेन रिएक्शन में जाता है और वहां पे कन्वर्ज होता है, वहां पे कन्वर्जन होता है इनडायरेक्ट एनर्जी का डायरेक्ट एनर्जी में, और आपका ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन, आपको मिल जाता है CO2H2O एंड एनर्जी बाय प्रोडक्ट CO2H2O एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है एनर्जी जो होते हैं ATP। अच्छा सर अगर प्रोटीन्स और फैट्स होंगे तो इससे कैसे होगा, तो देखो प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होने के बाद आपको क्या देते हैं अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होने के बाद आपको देते हैं अमीनो एसिड्स, और फैट्स ब्रेकडाउन होने के बाद आपको देते हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यहाँ पे मैंने अल्कोहल नहीं लिखा है जगह की कमी के कारण, ठीक है। तो फैट्स ब्रेक होने के बाद क्या देते हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब ये जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड है ये दोनों किधर जाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए में जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए में जाएंगे, नहीं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और आगे का सफर सेम रहेगा। तो फ्लो चार्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिसिस, पाइरूविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल एंड फाइनली एनर्जी, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में और आपको एनर्जी मिल जाएगा। सिमिलरली फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, मतलब प्रोड्यूस होता है जैसे हमारे ग्लाइकोलिसिस में होता है सिमिलरली, और आपको फाइनली आगे क्रेब्स साइकिल और फिर एनर्जी मिल जाएगा। तो प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे मिलता है ये तो आपको समझ में आ गया है, और एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे हमें देखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ये लेक्चर आएगा कुछ दिनों बाद। फिलहाल के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हुआ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चैप्टर खत्म होता है। गाइज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उस तक ये शेयर कर दो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें बिना ऑक्सीजन के काम चलेगा, कभी कभी मैं कह रहा हूं कभी कभी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं होती है या फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ऐसे समय पे कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के भी ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम चल जाता है उनका। तो इसी को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहले तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, और यहां पे देखिए इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मैं क्या कह रहा हूं, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। कितना एनर्जी मिलेगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, जो ग्लूकोज होगा इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और बहुत ही कम एनर्जी मिलेगा। तो ये कैसे होता है, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है, नहीं तो आई बटन में जाके आपने देख लिया होगा अब तक, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कुछ स्टेप थे ना, 1-2-3 स्टेप थे, लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ATC चेन रिएक्शन। तो इसमें भी पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, और इसमें दो ही स्टेप होते हैं, और दूसरा स्टेप क्या है, फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस जैसा आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था सिमिलरली इसमें भी वही होने वाला है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस उसमें क्या हुआ था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था एंड ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन के थ्रू होने का, तो वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। इज इट राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पाइरूविक एसिड में, यहां पे भी सेम हो रहा है। तो ग्लूकोज का बन गया पाइरूविक एसिड, अब होगा स्टेप नंबर टू, और स्टेप नंबर टू आपको याद है ना, फर्मेंटेशन। इस स्टेप में क्या होगा, ये जो पाइरूविक एसिड हमें मिला है, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी देगा। तो हमारे टेक्स्ट बुक में तीन मेंशन है, एक एक करके देखते हैं। पहला वाला, ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ईस्ट के मदद से बनता है, और इसमें हम लोग एंजाइम्स का भी यूज करते हैं। कैसे होता है, ईस्ट का फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग और हमें अल्कोहल या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, और इसके लिए हम कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा सर कितना एनर्जी मिलेगा इस प्रोसेस में, बताता हूं, सबर करो। अगला देखते हैं, अगला मान लो कि आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे समय में आपके मसल्स का ऑक्सीजन खत्म हो गया। मैं आगे चल के इसको और अच्छे से समझाने वाला हूं, मगर आपके बॉडी में जो मसल्स में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गया। ऐसे समय में ऑक्सीजन ना होने के कारण हमारा मसल्स भी जो है ना वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, और उसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो एटीपी इतनी एनर्जी, ये दोनों भी प्रोसेस में होगा, अल्कोहल वाले में भी और सेकंड जो लैक्टिक एसिड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी। मतलब पाइरेविक एसिड का क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा सर आपने तीन कहा था, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा सुनो, तीसरा वाला है ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि विटामिंस या फिर विनेगर, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी मान लो, लेकिन विटामिंस या विनेगर या फिर एक्सेट्रा, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है इन माइक्रोब्स, किसमें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाय द वे आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है तो सुन लो, और अगर पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, और देखो आपने जो कमेंट किया है और जो मैं बाकी बताऊंगा वो मैच करते हैं कि नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, था ना सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं किसका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो हम लोग जो पहला एग्जांपल देखेंगे ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ सीड्स दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे आपको, कुछ सीड्स है जो कि जमीन में है, राइट, और वो उगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि बारिश होती है और पानी भर जाता है, तो अब ये सीड्स कैसे सबमर्ज्ड इन वाटर, तो ये वाटर में है, इसके कारण इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट तो टूट जाएगा, जमीन में मान लो ऑक्सीजन नहीं बचा है, चारों तरफ पानी भरा है, तो ऐसे में इसका एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं हो पाएगा ना। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर चारों तरफ पानी भर गया है तो ये सीड्स का एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो अब ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी है तो ये सीड्स क्या करेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। देखो, सीड्स परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, जब सीड्स में से पौधा निकलता है उस समय में अगर सीड्स पानी के अंदर सबमर्ज है तो ऐसे समय में सीड्स क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल समझ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप गए एक जिम में और उस जिम में जाकर के आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप डंबल्स उठा रहे हो, पुलअप्स मार रहे हो। अब जब मान लो आप डंबल उठाने की एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर चेस्ट प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उस एक्सरसाइज को आपने एक बार, दो बार, तीन बार किया और आपके बॉडी में आप पेन होने लगा, क्यों, क्योंकि आपकी मसल के अंदर सोरनेस बढ़ रहा है। ये सोरनेस क्यों होता है, यू नो, ड्यू टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं दिखाता हूं आपको, आवर मसल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल्स भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है, और ऐसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के समय मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, पढ़िए ना स्क्रीन पे, ड्यू टू विच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। आपको पता है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अवर बॉडी, आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी कैसा प्रोड्यूस होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है और हमें क्या फील होता है, टायर्ड फील होता है, राइट, आप थकावट महसूस करते हो, क्यों, क्योंकि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, भर जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये दोनों एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज क्लियर। तो यहां पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म। अच्छा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे ब्रेड बनाना, अल्कोहल बनाना, ठीक है, तो वो बड़े सिंपल है, आप वो देख लेना। ओके गाइस, तो एनएरोबिक का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले जो सेल था उससे नया सेल बनेगा, इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब सेल खुद को डिवाइड करेगा नया सेल बनाने के लिए। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एक सेल है, वो डिवाइड होकर दो सेल बन रहा है, इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। गाइज, सेल डिवीजन समझने से पहले सेल्स के थोड़े बेसिक समझ लेते हैं जो सेल डिवीजन में काम आएगा। सबसे पहले ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल के बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बुलाते हैं, देखो, साइटोप्लाज्म। क्या बुलाते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा दोस्तों सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रहा है येलो कलर का एक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक पार्ट होता है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, उसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं उसको, सेंट्रियोल। तो यहां तक आपको ये बेसिक समझ गया, ये बेसिक बहुत जरूरी है सेल डिवीजन के लिए। बाय द वे,
किसका क्या काम है, आप सेल डिवीजन पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ जाओगे। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सेल डिवीजन मैंने बताया, सेल डिवीजन मतलब क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनेंगे। सेल डिवीजन दो टाइप के हो सकते हैं, कितने, दो टाइप के, और हमें भी दो टाइप पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाला है माइटोसिस, जो होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर होता है, सोमैटिक सेल। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सोमैटिक सेल मतलब क्या? तो हमारा पूरा बॉडी जिन सेल से बना हुआ है उन्हीं सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। हमारा आंख, हमारे नाक, टीथ, लिप्स, हेयर्स, हाथ, मसल, सभी चीजें, लेग्स, ठीक है गाइस, ये जिनसे भी बनी है बोन्स, ये किसे हैं, सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। ये दूसरा टाइप का सेल डिवीजन होता है मियोसिस। क्या होता है मियोसिस? ये होता है जर्म सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जर्म सेल को ही रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। मैं समझाता हूं जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल मतलब क्या। मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ये हो गया जर्म सेल ऑफ मेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कैसे डिवाइड होगा? मियोसिस से डिवाइड होगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगर हम बात करें फीमेल की, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक सेल होता है उसको हम लोग ओवम बुलाते हैं या फिर एग सेल बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है या फिर फीमेल जर्म सेल है। ये भी किससे डिवाइड होगा? मियोसिस से, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो जरूर आना अगले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, सेल के थोड़े से और बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक और, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो बेसिक नंबर एक, सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? क्रोमोसोम। नहीं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है। ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब कंडेंस होंगे, क्या होंगे? कंडेंस होंगे, तो ये बन जाएंगे क्रोमोसोम। ये क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को अगर मैं खींचता हूं, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है ना, तो उस थ्रेड को अगर मैं खींचता हूं तो वो मुझे मिलेगा डीएनए, तो उसी को हम डीएनए कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ में आया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने का क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम को अगर मैं खींचूंगा तो वो बन जाएगा डीएनए। डीएनए मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या, आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया। अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है ऊपर थोड़ा छोटा है, बीच में गोल है, फिर नीचे लंबा है। तो वो जो छोटा है ना आर्म, छोटा आर्म जो है, छोटा हाथ, उस छोटे हाथ को बुलाते हैं पी आर्म। क्या बुलाते हैं उसको? पी आर्म। नीचे जो गोल सा दिख रहा है आपको, उसके नीचे एक लंबा आर्म है ना, लॉन्ग आर्म, लंबा हाथ, उसको हम बुलाते हैं क्यू आर्म। उसको क्या बुलाते हैं? क्यू आर्म। बीच में गोल सा दिख रहा है, उसको क्या बुलाते हैं? सेंट्री, सेंट्रोमियर। उसको क्या बुलाते हैं? सॉरी, सेंट्रोमियर। नीचे जो गोल सा है बीच में, उसको हम बुलाते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के काफी सारे टाइप होते हैं, राइट? मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और अब वो भी आप कमेंट करके बताओगे आपको याद है कि नहीं, कब पढ़ा था आपने, बस वो कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम के अंदर दो कंसेप्ट है, एक है होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा है हेटरोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं समझाता हूं आपको। ये ब्लू क्रोमोसोम है, ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, समझो। ये रेड कलर का क्रोमोसोम है। अगर ये ब्लू और रेड एक साथ पेयर में आते हैं तो इसको होमोलोगस नहीं, इसको हेटरोलोगस बुलाएंगे। क्यों? हेट्रो मतलब अलग, समझ रहे हो ना, इसको हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बुलाएंगे। अगर ब्लू के साथ ब्लू है, मतलब सिमिलर टाइप का क्रोमोसोम पेयर में आ रहा है, रेड के साथ रेड है, सिमिलर टाइप का क्रोमोसोम पेयर में आ रहा है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? ऊपर लिखा है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इतना समझा, थोड़ा आगे बढ़े। क्रोमोसोम में एक सिस्टर क्रोमेटिड्स करके कंसेप्ट है, समझो ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे को इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, और इनका सेंट्रोमियर क्या हो रहा है? एक दूसरे का शेयर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ गया, बटरफ्लाई जैसा होमोलोगस क्रोमोसोम है तो रेड रेड ब्लू ब्लू, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। गाइस, हम ह्यूमंस के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है तुमको याद है? वीडियो पॉज करके कमेंट करके दिखाओ मुझे, तुमको याद है कि नहीं। हम ह्यूमंस के अंदर होता है 46 क्रोमोसोम। कितना होता है टोटल? 46 क्रोमोसोम होता है टोटल। अब ये 46 क्रोमोसोम जो है ना, ये 46 क्रोमोसोम है, वो पेयर में आएगा, होमोलोगस या हेटरोलोगस, तो कितना होगा पेयर? 23 पेयर्स बनेगा। कितना पेयर बनेगा? 23 पेयर्स बनेगा। समझ में आ गया, बेसिक समझा तुम लोगों को? अब भी बेसिक अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है, तो अब हम सेल डिवीजन, जो आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस वाला, वो पढ़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले समझो कि माइटोसिस मतलब क्या।
है ये अपना एक कॉपी बनाएगा। ये कॉपी कैसे बनाएगा, देखो आपको दो क्रोमोसोम दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, एक ब्लू कलर का है एक रेड कलर का है, देखो तो ये बनाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और दो नए डॉटर सेल्स बनाएंगे, इसी को हम बोलते हैं माइटोसिस। चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है। अब ये दो स्टेजेस में होता है, कितने स्टेजेस में होता है, दो स्टेजेस में होता है। वो दो स्टेजेस कौन से हैं? पहला वाला स्टेज कैरियोकाइनेसिस, कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। हमारे सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, सेल के अंदर का खाली न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस भी ना चार फेजेस में होता है, कितने फेजेस में, चार फेजेस में। तो इसके चार फेजेस में पहला वाला जो फेज है वो है प्रोफेज, पहले फेज का नाम क्या है, प्रोफेज। अगला वाला जो फेज है उस फेज का नाम है मेटाफेज, क्या नाम है, मेटाफेज। उसके बाद जो फेज है उस फेज का नाम है एनाफेज, और उसके बाद लास्ट वाला जो फेज है चौथा उसका नाम है टीलोफेज। एक बार सुनो ध्यान से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये चार फेजेस है किसके, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के। चलेगा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेज है, मैंने कहा दो स्टेज है, वो है साइटोकाइनेसिस, क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर था, याद है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसका डिवीजन जब होगा वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पहला वाला स्टेज समझते हैं, जो है कैरियोकाइनेसिस, क्या है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन। गाइस पहला फेज है प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होगा, हमारा जो सेल था ना सेल, उसके अंदर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स है, राइट, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है इनका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दे बिकम शॉर्ट थिक, वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट थिक एंड अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। दिख रहा है कैसे हो गए, जो हमारे पास वो थे कौन से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में आ गए, ठीक है। दूसरा बात सुन, दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ग्रीन कलर का सेंट्रियोल दिख रहा है तुम लोगों को, ग्रीन कलर का सेंट्रियोल, वो डुप्लीकेट होगा, क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ और अपोजिट पोल के पास जाएगा, कहां जा रहा है, अपोजिट पोल के पास चला गया। अब आगे सुना, प्रोफेज की बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेज में अगला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपके न्यूक्लियस के बाहर में, ठीक है, और जो येलो कलर का न्यूक्लियोलस है वो क्या होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे, और यहां पे प्रोफेज खत्म होता है, यहां पे प्रोफेज खत्म होता है। अच्छा, इन सब के नोट्स मैंने वीडियो के लास्ट में डाला है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप अभी खाली समझने पे ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला फेज क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बगल में जो न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, देखो गायब हो गया ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों गायब हो चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, सुनो, क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया होगा वो भी कंडेंस हो जाएगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इसके बाद ऑल द क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू द इक्यूटोरियल प्लेन, इक्यूटोरियल प्लेन के पास क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि इक्यूटोरियल प्लेन मतलब क्या, सेल में एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, सेल के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है, उसको इक्यूटोरियल प्लेन कहते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ के बगल में एक इक्यूटोरियल प्लेन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है, हम लोग इक्वेटर होता है ना अर्थ का, उसी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन है बस। आर यू गेटिंग इट? तो हमारे जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये अरेंज कर लेंगे खुद को उसके सेंटर में, क्लियर। मेटाफेज यहां तक समझ में आया है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, वो आ जाएगा कहां पे, सेंट्रोमियर के पास एंड सेंट्रियोल। तो आप ग्रीन कलर के सेंट्रोमियर के पास आप देखो ना, येल्लो येल्लो कलर के फाइबर्स आ गए हैं, उसके अलावा हमारा जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर से भी पास हो रहा है, राइट, येल्लो कलर का, तो वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, इनका काम क्या है हम आगे समझेंगे।
तो यहाँ पे गाइस मेटाफेज भी होता है खत्म, और अब हमें समझना है एनाफेज। तो एनाफेज में सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट्स। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में जो सेंट्रोमियर है वो सेपरेट हो जाएगा, दिख रहा है सेपरेट हो गया। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद होगा क्रोमोसोम्स आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो क्रोमोसोम्स है ना ब्लू और रेड कलर के, ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो येलो कलर के स्पिंडल फाइबर है उनकी मदद से अपोजिट डायरेक्शन में पुल हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगला क्या है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स जो सेपरेट हो चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। इसको हम क्या बुलाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम। ये जो सेपरेट हो गए इनको डॉटर क्रोमोसोम बुलाएंगे। इसके बाद क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। ये जो क्रोमोसोम है ये जो पुल्ड हो गए हैं ये कैसे दिख रहे हैं? बंच ऑफ बनानास के जैसे दिख रहे हैं, राइट? ये जो क्रोमोसोम थे जो पुल्ड हुए वो कैसे दिख रहे हैं? बंच ऑफ बनानास की तरह दिख रहा है। यहां तक समझ में आया? अगला स्टेज है टीलोफेज। एनाफेज हो गया खत्म, अब आया टीलोफेज। टीलोफेज में देखो टीलोफेज का मतलब पहले समझो। टीलोफेज का मतलब होता है वापस रिकंस्ट्रक्ट होगा। क्या होगा? रिकंस्ट्रक्ट होगा। तो यहां पे देखो क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू डीकंडेंस। ये जो क्रोमोसोम है ना ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। तो वो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, ठीक है? ये क्रोमोसोम क्या हुआ? डीकंडेंस हो गया, फिर से थ्रेड जैसा बन गया। यहां तक क्लियर है? आगे सुनो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्मड अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा कहां पे? सेट ऑफ क्रोमोसोम के पास, जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है उसके बगल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया एंड रीच एट द पोल एंड हेंस टू डॉटर न्यूक्लियाइड आर फॉर्मड इन द सेल। और इसी तरीके से दो न्यूक्लियस बन गया ना एक सेल के अंदर, दिख रहे? तो न्यूक्लियस का डिविजन हो गया, समझ रहे हो? कैरियोकिनेसिस जिसमें हमें न्यूक्लियर का डिविजन करना था उसमें न्यूक्लियर का डिविजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो अपियर इन द डॉटर सेल एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ग्रीन कलर के पार्ट के पास आपको दिख रहा है ना स्पिंडल फाइबर है येलो कलर के, ठीक है? और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है तो वो अपियर हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे यहाँ पे और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस अपियर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे होता है टेलोफेज खत्म, और अगला है हमें बात करना साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो इक्विटोरियल प्लेन है, राइट? अ नॉच इज फॉर्म एट इक्विटोरियल प्लेन। एक नॉच फॉर्म होगा ऑफ द सेल विच डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड देयर बाय न्यू सेल्स आर फॉर्म। सिंपल है, देखो ये जो इक्विटोरियल प्लेन है वहां पे एक नॉच फॉर्म हुआ, ठीक है? ये नॉच जो है वो डीपन होते जाएगा, गहरा होते जाएगा और फाइनली दो सेल बन जाएंगे। क्या हुआ? इक्विटोरियल प्लेन के पास एक नॉच फॉर्म हुआ, एक नॉच फॉर्म हुआ, नॉच धीरे धीरे डीप होते गया और दो सेल डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दोनों भी समझ में आ गया है। और यहां पे माइटोसिस होता है खत्म, यहां पे माइटोसिस खत्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। गाइस ध्यान से सुनो, आगे मैंने पूरा नोट्स डाला है माइटोसिस के बारे में, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं, ठीक है? एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस सारे के सारे यहाँ पे है, और इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी डाल दूंगा तो इसका यूज करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल डिविजन। सेल डिविजन में हम लोग देखने वाले आज मियोसिस। माइटोसिस का लेक्चर ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर हो चुका है जो ऊपर के आई बटन में है। तो मियोसिस मतलब होता है जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल जिस तरीके से अपना डिवीजन करते हैं। बाय द वे सेल डिवीजन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बनते हैं। अच्छा, जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल किस प्रोसेस में काम आते हैं? तो ये काम आते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल हेल्प करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ऑलरेडी जो 4 लेक्चर्स है वो ऊपर के आई बटन में है तो उसे जाकर के देख लेना अगर आपने नहीं देखा। बहुत अच्छी तरीके से सबको समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले समझते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की, ठीक है, हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, ठीक है? मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं। अच्छा, एक और होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक होती है फीमेल। कौन होती है? फीमेल।
फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट जो होता है एग, ठीक है, ये एग होता है। अब स्पर्म और एग ये दोनों भी हैप्लॉइड इन नेचर है। हैप्लॉइड का मतलब क्या कि इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, सिंगल सेट मतलब n इज इक्वल टू 23, इसमें कितना होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा मेल में और एक फीमेल में भी वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। आपको पता है ना एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं जो कि 23 के पेयर्स में होते हैं, मगर अगर हम बात करें स्पर्म या फिर एग सेल की तो इसके अंदर 23 ही क्रोमोजोम होंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। यहां तक समझ में आया गाइज? अब ये स्पर्म और एग, ये स्पर्म और एग जब एक दूसरे के साथ आएंगे कंबाइन करेंगे तो एक प्यारा सा बेबी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक प्यारा सा बेबी। अब ये प्यारे से बेबी में 23 का एक सेट मेल ने कंट्रीब्यूट किया, 23 का एक सेट फीमेल ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब इसके पास क्या है, आधा हैप्लॉइड और आधा हैप्लॉइड फ्रॉम फीमेल एंड मेल, दोनों आधा आधा मिलके कितना होता है, एक पूरा होता है, राइट। तो इसके पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो यहां पे है 23, मतलब इसके पास बेबी के पास कितना होगा, टोटल 46 क्रोमोजोम होगा। तो यहां पे देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स बेबी के अंदर कितना है, डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, 123 फ्रॉम फादर, एक 23 कहां से आया, फादर से आया एक सेट, और दूसरा 23 फ्रॉम मदर, ठीक है। थर्स टोटल कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम। यहां तक समझ में आया? तो थोड़ा सा ना कंपैरिजन करते हैं माइटोसिस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और मियोसिस जो आज हम पढ़ेंगे। बाय द वे मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आज हम लोग मियोसिस को डिटेल में नहीं कवर करने वाले, हम खाली मियोसिस को कंपेयर करेंगे और मियोसिस का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है, लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है, तो आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें एकदम डिटेल में मैं समझाऊंगा कि मियोसिस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं माइटोसिस की जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, वो होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल्स मतलब आपको पता है ना, वो सेल्स जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, सारे के सारे सेल एक्सक्लूडिंग स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, इनको एक्सक्लूड करके जो भी सेल्स है सब के सब क्या है, सोमैटिक सेल्स है। हमारे नाक, हमारे आंख, हमारा सर, हमारा कान, हमारे बाल, हमारे हड्डियां, हमारे मसल्स, ये सब के सब किससे बने हुए, हमारे दांत, टंग, सोमैटिक सेल से बने हुए। चलो बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में, अभी आपको बताया था। अब ये जर्म सेल जो मेल में होता है वो होता है स्पर्म, मेल में कौन से होते हैं, स्पर्म, और अगर फीमेल की बात करें तो क्या होता है, एग। तो ये कंपैरिजन समझ में आ गया तुम लोगों को, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था, अगर डिटेल में समझना है तो ऊपर के आई बटन में तुम जाके देख लोगे, राइट। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम डजंट चेंज, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो नहीं बदलता, ठीक है, समझो। ये एक सेल है, इसके अंदर आपको दो क्रोमोजोम दिख रहा है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम है, राइट। ये दोनों क्रोमोजोम माइटोसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं, राइट। सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करने के बाद, ठीक है, ये क्या है, 2n है, इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम है, इसमें क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, तो ये 2n हुआ, डिप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा, दो सेल बनाएंगे, ठीक है। अब ये दो सेल दिख रहा है आपको, इसके न्यूक्लियस में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसमें ब्लू ब्लू एक चले जाएंगे और इसमें रेड रेड एक चले जाएंगे। तो यहां पे क्या था, आगे देखो ना, सबसे बड़े वाले सेल में आपको दो ब्लू दिख रहे हैं क्रोमोसोम, ये दो ब्लू सेपरेट होके एक एक चले गए, और दो रेड दिख रहे हैं वो भी सेपरेट होके एक एक चले गए। तो ये होता है माइटोसिस में, और ये 2n 2n मतलब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डजंट चेंज, 2n का 2n हुआ, राइट। तो डिप्लॉइड जब भी आपको वर्ड सुनाई दे तो आप समझ लेना होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है गाइस। तो 2n का 2n हुआ। चलो आगे एक बार और समझाता हूं, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते, अगर 2n है तो वो डिवाइड होकर आगे भी 2n ही रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो माइटोसिस में कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो मियोसिस समझते हैं, ठीक है, माइटोसिस तो हमने देख लिया, राइट, अब मियोसिस देखते हैं। तो मियोसिस की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, क्या कह रहा हूं मैं, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, इसमें आधा हो जाएगा, कैसे, देखो। अब पहली बात एक और समझो, अब ये जो मियोसिस होता है ये दो स्टेजेस में होता है, पहला होता है मियोसिस वन और अगला होगा मियोसिस टू, ठीक है। तो स्टेज नंबर वन मियोसिस वन में ये जो हमारे पास एक जर्म सेल है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है, मान लो ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड है, मतलब मेल और फीमेल दोनों का आधा आधा मिलके दो सेट बने हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या होगा, पहले स्टेज में देखो क्या होता है, ओवरव्यू बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, पहले स्टेज में ये जो 2n है इसका n होगा, आधा हो जाएगा, कैसे, आपको दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, राइट,
दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का पेयर है, दो पेयर है ना, तो ये दोनों पेयर अलग हो जाएंगे। कैसे? देखो ये दो सेल बने और ये दोनों सेल में एक में ब्लू चला गया और एक में रेड चला गया, अलग हो गया ना। पहले वाले सेल में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के दो पेयर है, राइट, होमोलोगस पेयर है ना क्रोमोसोम के, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए, डिवाइड हो गया, समझ में आया। ब्लू एक में चला गया और रेड एक में चला गया। अब आता है मियोसिस टू, लेकिन यहां पे देखो 2n का क्या हुआ, nn हो गया, राइट, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, आधे हो गए। आर यू गेटिंग इट? पहले में दो थे, दो होमोलोगस पेयर था और यहां पे एक ही पेयर है, तो होमोलोगस पेयर डिवाइड्स। ठीक है, तो 2n का क्या हुआ, nn हुआ। अब मियोसिस टू की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस टू की। ये ओवरव्यू दे रहा हूं, मियोसिस वन समझ गया तुमको। अब मियोसिस टू में ये जो एक एन है और नीचे दो सेल है, एक में ब्लू वाला क्रोमोसोम है और एक में क्या है, रेड वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो अब आगे क्या होगा, इसमें से एक सेल बनेगा और इसमें से एक और सेल बनेगा, मतलब एक एन से दो और एन बने, सेम कॉपी बनने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी नीचे भी होगा रेड वाले के साथ, जिसमें रेड कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम है। अभी इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में है, एम आई राइट? वो किसके फॉर्म में है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में दो है ना, दो क्रोमोसोम है, दो ब्लू एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक ब्लू इसमें चला गया और दूसरा ब्लू दूसरे में चला गया। सिमिलरली रेड वाले के साथ होगा, एक रेड उधर चला जाएगा और दूसरा रेड इधर चला जाएगा। तो यही होता है मियोसिस टू में। आर यू गेटिंग इट? इसमें क्या हुआ, डिवीजन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, और ये एन एन मतलब 2n का n हुआ और सब n का nn हुआ। देखो मैं समझाता हूं, मियोसिस, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। 2n का क्या बनेगा, n n बनेगा। ये किस में हुआ, मियोसिस 1 में हुआ। ये किस में हुआ, मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 में क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो थे उनका सेपरेशन हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये nn का भी nn होगा, राइट, फिर से उसका डिवीजन होगा। और इसमें क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हो रहा था और मियोसिस सेकंड में हुआ क्या, एक्चुअली सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसमें सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ, तो इसमें टोटल कितने सेल बने डिवीजन के बाद, तो टोटल चार डॉटर सेल बने। कितने बने टोटल, चार डॉटर सेल बने, तो फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो आई होप गाइज कि आपको मियोसिस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने खाली कंपेरिजन किया माइटोसिस और मियोसिस में, और हमने एक ओवरव्यू देखा कि मियोसिस में होता क्या है, चार डॉटर सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं डिटेल में। अब मियोसिस जो है उसमें भी फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, और वो भी प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मियोसिस वन और मियोसिस टू में दो बार होते हैं, राइट। तो इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे जो अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो कि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और हाँ लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लगा, और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उस तक शेयर करो, बस पढ़ते रहो। हमारा फ्री क्लास स्टार्ट होने वाला है फॉर 100 स्टूडेंट ऑफ साइंस, जो कि टोटली फ्री होगा ऑन जूम। तो वीडियो देखो चैनल पे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां से जाके फॉर्म भर दो। ठीक है गाइज, चलो बाय बाय।